अगरतला गाँव में आज लोक मैंने जमी चाष कर निजर जीवन जापन करछंती। जीविकार अन्य कौनसी साधन ही ना, किंतु जेपरी जेपरी एमानकर गाँव में जनसंख्या बढ़ी बढ़ी जाउछि सेपरी सेपरी जमी मध्य कम पड़ी पड़ी जाउछि। जो सही समस्या रो समाधान करने मुखिया सबु गाँ लोक मानू पंचायत को डाकि आनी तो प्रतिथर पंचायत कह व्यक्तिगत समस्या को समाधान करने को बसी थाए, किंतु यही थर यही जो समस्या समाधान होम समस्त गाँववाला समस्या हो आम समस्त समस्या आम कृषक को तो कौन सी समस्या ना। अच्छा तेरे कौन तुम क्षेत्र उपजुवा शस्य तुम पूरा परिवार पर्याप्त होनी मालिके मो घर चार लोक अच्छा किंतु जब दुज पुओर बाहर रही छुआ खाद्य बहुत कम पड़ी तेज यह कौन समस्या नुहे आमती समस्या समस्त घरे ना कि निश्चय अच्छी मालिके समस्या कौन यह तो विपत्ति हो जाए मु तो किसी आउ भाभी मत क्षमा कर दिंतु तेज कौन का पाखे एथर कौन सी समाधान अच्छी जे आम लोक घरे समस्या तो बढ़ी बढ़ी जाऊँगी आमर गाँव में आज भी से क्षेत्र अच्छी जहाँ आज ठारू 20 वर्ष आगुरी थी। हाँ मुझी जे कहीं आम सरकार किसी नवेदन करवा बोध हुए आमर किसी साहय मिल जाव एवं सरकार आगे के हाथ पतेवानी जेबे जाए आमर हाथ गोड़ ठीक ठाक अच्छी किसी एमती उपाय खोजा हेब जो थे आम निजे निजे ही किसी उपाय बाहर कर पारा। हालकुर स्त्री बहुत समय है समस्त कथा शुणुला सी किसी कहवाक चाहूला किंतु पंचायत रे आज पर्यंत महिला मैंने केबे मध्य निजर कथा कहती ना एथिपाई से कहवा पूर्व बहुत डरी जा। हाँ मालिके मोर स्त्री किसी कहवाक चाहूँगी जदि ये पंचायत यह कहवाक सुजोग देवे आज ठारू समस्ते गोटे कथा कान खोली शुणनियो आमर गाँ हो पारे विकासर मामलें पछरे अच्छी किंतु आमर विचार केवे मध्य पछुआ होगा उचित नुहे। आज ठारू आम गाँव में कौन सी स्त्री पुरुष भितर कौन सी भेदभाव होगा उचित नुहे। आज्ञा धन्यवाद कौन मुझे आज ठारू तुम्हें कह भी पार आजे तुम्हें पाठ पढ़ी एं जदि चाह तेबे गाँव रिला मानू पाठ पढ़ाई पार। आज्ञा मुझे कहती जेबे आमे माने ए गाँ को आसते तेबे एठी गोटे मत जमी नथिला आउ आमे समस्ते निज निजर आवश्यक हिसाब से जमी को खोली जमी चाष कले जेबे आज पुणी थरे आवश्यकता अच्छी तेबे आमे पुणी थरे जमी चाष करी नुआ जमी काहे की तयारी करि परबानी। हां हां तमे ठीक खौचो आमे समस्त परिश्रम करबा को पछक हटिनु आउ आज भी हटिबुनी किंतु कथा एहा जे एबे खोलीबा केउठी खाली जमी तो क्योंठी भी बंची ना आउ जंगल को काटी करी जंगल जीवजंतु को घर को नष्ट करने को चाहूनु। जदि आम पहाड़ पछ भाग जमी उपरे काम करबा तेबे से जमी बहुत कठिन अटे ता सहित सेठी बड़ बड़ पत्थर भी अछि ताकु हटेबा मुश्किल आम पाखरे अन्य कोनसी उपाय ना आउ किछि समय पूर्वरु आपण ही कहिथिले जेपर्यंत आमर हाथ गोड़ ठीक ठाक अच्छे आम परिश्रम करने पछ घुंचा देवा ना। सबु लोक मैंने चुनीर कथा एवं विचार शुणि सहमत हो जाती आहाड़ पछपट भागर जमी को खोली से जमी चाष करने निष्पत्ति आगामी दिन सबु लोक मैंने कोदाल फाउड़ा हाथोड़ी एवं बाकी सबू सामान गुड़िक नहीं जाती गले किम ये सहज भाई लगुन सेतिकी कठिन मध्य नुए जेतिकी आमको लागुची आउ आमे एकुटिया तो नाही ना। मते तो जणा ही नथिला जे मो स्त्री पाखरे एते मजबूत विश्वास अछि। मते भी आ जणा नथिला जे तमे एते दुर्बल अछ किछि समय काम करही थकि गलो एबे आउ हेउनी चुन्नी वयस बढी गलानी सत कहिबी एबे मो भितरे चास करबाकु शक्ति मध्य बंचिनी आंठुरे बहुत कष्ट हेउछि आउ मु ए कथा कहाको कहुनी आउ एमिति कहि करी कोन बाहेइ जीवो एतिकी कहि हालकु कोदाळ को नि आउ पूर्णि थरे खोलिबाकु लागे आउ चुन्नी ता पाखकु जाई ता हातरु कोदाळ को नै जाय सत कहि देउछि
ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜଣାନଥିଲା, ନହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏଠାକୁ କାମ କରିବାକୁ କହିନଥାନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଆରାମ କର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବି। ଏମିତି ତ ମୁଁ ଏସବୁ ଉପରେ ଭରସା କରୁନି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗତ ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଥିବି ଯେଉଁଥିରୁ ମୋତେ ତୁମ ଭଳି ସଂସ୍କାରୀ ଆଉ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ତୁମ ମୁହଁରୁ ଏପରି କଥା ବାହାରି ନଥିଲା। ଅନେକ ଥର ଭାବୁଛି ଯେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ହିଁ ମିଳିନି। କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଜି ଯଦି କହିପାରିନି ତେବେ କେବେ କହିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଚୁନି ଏବଂ ବାକି ଲୋକମାନେ ଦିନ ରାତି ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖୋଳି ଖୋଳି ଚୁନିକୁ ଜମି ଭିତରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମିଳନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଅ। ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକରି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ଏ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ଗାଁରେ ଚାରୋଟି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରନ୍ତି, ଆଉ ଚାରୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେବେ ଆଖପାଖରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଦୂର ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆରେ ବା, ଏତେ ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଭଗବାନ ନିଜେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଉ ଆମେ ବି ଯେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ୟାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ ତେବେ ଆମେ ବି ଦେଖିକରି ହିଁ ରହିଗଲୁ। ଏହି ମୁଁ କିଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଗରବତୀ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ୟାକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଖିଆ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଗରବତୀ ବାହାରୁ ହିଁ କିଣିକରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଆସେ, ଆଉ ସିଏ ପୁଣି ଥରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି, କେବଳ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଧୂପକାଠି ବାହାରୁ କିଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ଧୂପକାଠି ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିବା ତେବେ କେମିତି ହେବ? ବହୁତ ଭଲ ବିଚାର ଏହା, କିନ୍ତୁ ଧୂପକାଠି ଆମେ ତିଆରି କେମିତି କରିବା? ଆମେ ଅଗରବତୀର ଜମି ଚାଷ କରିବା। ଧୂପକାଠିର ଗଛ ଏହା କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଗରବତୀରେ ବାଉଁଶର କାଠର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଗୋଲାପର ଫୁଲ। ଆମକୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚାଷ କରିବା, ବାକି ଗାଈ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଅଛି, ତାର ଗୋବର ଅଗରବତୀ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ରହିବ। ତୁମର ବିଚାର ସତରେ ଭଲ, ହଲକୁ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ହିଁ ଗୁଣୀ, କ'ଣ ଭାବିକରି ବାହା ହେଇଥିଲ ତମେ? ମୁଁ ବି ଏହା ହିଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋ ଭଳି ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ମିଳିଗଲା। ଯେମିତି ବି ମିଳିଯାଉ, ଇଏ ତ ତମ ସହିତ ସବୁ ପୁରା ଗାଁର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ କରିଦେଲା। ସେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜମିରେ ପାଉଁଶର ଗଛ ଏବଂ ଗୋଲାପର ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ବାଉଁଶ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, ଆମକୁ ଏହି କୋମଳ ବାଉଁଶଗୁଡ଼ିକରୁ ହିଁ ଅଗରବତୀ ତିଆରି କରିବା। ସବୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଚାଷ କରିଥିବା ବାଉଁଶଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପତଳା ପତଳା କାଟି କାଟି ଅଗରବତୀର କାଠି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗାଈର ଗୋବରକୁ ଗୋଲାପ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ତାର ଲେପ ବାଉଁଶର ଟୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଅଗରବତୀ ତିଆରି କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେମାନେ ତ ଆମର ଗୋଟିଏ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ କଲେ, ଏହି କଥା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା ଯିଏ ବି ଏଠାର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ ସେ ଧୂପକାଠି ଏଇଠାରୁ ହିଁ କିଣିବେ। ଏବେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାହାରୁ ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅଗରବତୀ କିଣିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏହା ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଅଗରତଲା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅଗରବତୀ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗାଁରୁ ଦୂରକୁ ଗୋଟିଏ ଅଗରବତୀ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ଯାଏ ତ ଶିବମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଧୂପକାଠି ହିଁ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ଅଗରତାଲ ଗାଁର ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଦିନଠୁ ଶିବମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଧୂପକାଠି ବିକ୍ରି ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିଛି ତ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବମ୍ଙ୍କୁ ଯେବେ କିଛି ଉପାୟ ଆଉ ମିଳେ ନାହିଁ, ତେବେ ସିଏ ଗାଁକୁ ଆସି ଏଠିକାର ମୁଖିଆ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗେ।
मुखिया बाबू आपण तो बहुत वर्ष होगा मो तैयारी धूपकाठी मंदिर जलाऊपाई मो विषय किसी कह दरकार ही ना कि हाँ मोर जो अवस्था आजिकल होना से विषय आपण को जानवा दरकार आबूर पचर आपण गाँव रत अच्छी आमठू जदि किसी भूल हो जाए तेज आमको क्षमा कर दि कि जेपर्यंत मो विचार गाँव रोक मैंने आज पर्यटन कह रमी कि कम करना जो थी कहार अगर क्षति हे जदि आप कहते तेज निश्चय यह पचर कि कारण थी कारण यह आपणकर गाँ लोक जेबे धूपकाठी तैयारी कर आरंभ कले से मो या धूपकाठी किए भी किणुना किंतु आमे तो यह सब आपण काम को बंद करने तो करूँ बरम निजर गाँव रोजगार पर करूँ किंतु एम मोर ही बंद है ना आमती भी आपण मान पाखे आजीविका क्षेत अच्छी आपत क्षेत कहीं करना आम मान तो प्रथम रू कृषक किंतु जब गाँव में मंदिर तैयारी आम धूपकाठी तैयारी करम आरंभ करण आमर दरकार भी दिन प्रतिदिन बढ़ुची किंतु आपण को गाँव बाला मैंने एक काम बंद करने दरकार देखु आम कह खराब तो करूना एपाई कम तो आम बंद करूनी आमती भी आपण तो दूधर बहुत भल बेपार अच्छी आखपाखर सब गाँव रीर तो आपण डेरी हूँ जा तेणु आपण को पैसार कौन दरकार ए आपड़ भल करना आपण समस्त को यार मूल्य देवाक पड़ो शिवम गाँवर मुखिया को धमक दे सेठारु चली जाए किंतु रागरे सी जहाँ करा कि हुए ना मुखिया एवं बाकी गाँ लोक मैंने अगरबत्ती या बंद करती लगुच मानवे एवं अन्य किसी उपाय बाछवा को ही पड़ो कहीं एम बाउंशर क्षेत्र को ही शेष करदेवी तेरे ना रंश ना या धूपकाठी एबे शिवम राति रे लुचिकरी गोटे मशाल नहीं गाँ लोक मानकर जमी को चली जाए आउ गोटी गोटी करी सब बाउंशर गछ उपरे निया लगाई दिए आउ देखु देखु सब गछ गुड़िक नियारे जली पाउंश हो जाए एबे मु देखिबि तमे माने धूपकाठी केमिति तयारी करिवो बा एही जळथुवा कोइलारु खेचिडी सका उठा पर गाँ लोक मैंने देखती बाउंशर सबू गछगुड़िक जली पाउंश हो जाए देखिक सब लोक मैंने बहुत दुखी हो जाती मुखिया यह जाणी जाए जे निश्चय यही कम शिवम ही किंतु कौन सी प्रमाण ना कारण सी कि पारती ना ये तो आम समस्त बहुत क्षति होगला आ नुआ गछ उठबारे बहुत समय मध्य लग ए सब क्षति जाणी सुनी करा जायछि किंतु एबे उपाय कोन करबा मते तो किछि एले बुद्धि दिसुनी एबे अमर प्रभु ही हमकु रास्ता देखाइबे मुखिया एवं बाकी गां लोक माने मंदिर को जानती आउ निजर तयारी करतिबा अगरबत्ती जळाई पूजा करबा को लागंती अगरबत्ती रो पूरा जळी जिबा परे जेउ तार तळ अंश बंची जाए सफा करबा परे मुखिया सेगुडी को अलिया सहित उठाई मंदिर पछ भागरे पकाई दिए आउ आगामी दिन सेठारे गोटे अगरबत्ती गच्छ उठी जिबार देखा जाए आउ तापरे बहुत गुटिए अगरबत्ती लगा हुई थाए अरे यह तो चमत्कार ही गला चुन्नी समस्त को मंदिर पाख को डाकी करी आने देखंतु मु सकाळ पूजा करबा पई एठी आसिली आउ देखिली जे अगरबत्ती गच्छरो अगरबत्ती तळे सब पडुची मुखिया गच्छ तलु अगरबत्ती को उठाइबा को लागे आउ सेगुडी को सुंगीबा को लागे एहा तो सेमिति ही सुगंधित धूपकाठी जेमिति आमे तयारी करथिले सब गां लोक माने एहा को भगवानंकर आशीर्वाद बोली भाबी एही अगरबत्ती गुडी को मंदिर रे जळाइबा को लागंती अन्य पटे समस्त को पंचायत को डका जाए एही सब लोक माने शिवम को गां रु खीर न नेबा पई कथा कहंती जेमिति से दिन शिवम आपण को धमक दे थिला से थिर तो यही लगुच जे आमर क्षेत्र में निया सीए ही लगे थी तेणु आम समस्ते गाँ लोके आज ठारू क्षीर देवा बंद करदे तेब तार बुद्धि ठीक आसब ठीक कहल तुम्हें एमती लोक मान सहित एमती ही व्यवहार करवा उचित
जेबे एही कथा शिवम को जणा पड़ी जाए तेबे से गाँव को आसी समस्त को क्षमा मागिबा को लागे आउ एबे थारु सब लोक मान को तार खीर र ठीक मूल्य देबा पई कथाबार्ता करे सब लोक माने ताकु क्षमा कर दियंती आज थारु मु केबे भी आपन को विषय रे खराब भाबिबिनी सब लोक मान को सहित शिवम मध्य अगरबत्ती नै मंदिर रे पूजा करबा को लागे।